तो फाइनली गाइस लोटस टेम्पल आ चुके हैं और अभी चलते हैं मस्त एकदम घूमते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पम ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सीधा लोटस टेंपल घूमने सुबह सुबह और आज हमारे साथ है सोनू भैया जो कि नेपाल से आए हैं। तो दोनों को ही चलते हैं, मस्ती करते हैं, अच्छे से घूमते हैं और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। अभी तो चलते हैं लोटस टेंपल, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाने का प्लान है। फिलहाल तो अभी वहीं जाना है। और भैया रेडियो देखते हैं क्या होता है ना। तो अभी आ गए हैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे, अभी चलते हैं नीचे और उसके बाद फिर सीधा लोटस टेम्पल और वहाँ से सीधा आप लोग से मिलेंगे। तो अभी गाइज टिकट ले लिए हैं और अब यहाँ से चलना है सीधा लोटस टेम्पल। तो सीधा चलते हैं और आप लोग से सीधा वहीं पे मिलते हैं। फिलहाल तो अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। हमारा मेट्रो स्टेशन है सचिपुर, जैसे मेट्रो आती है फिर सीधा चलते हैं। तो फाइनली गाइज मेट्रो से उतर गए हैं और अभी चलते हैं पैदल पैदल लोटस टेम्पल की ओर, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर ही दूर है मेट्रो से। तो जो नियरेस्ट मेट्रो है लोटस टेम्पल का वो है ओखला NSIC, तो वहाँ पे उतर के बस अब 500 मीटर है। तो यहाँ से चलते हैं पैदल एकदम मस्त। सीजन भी बहुत अच्छा है आज। हाँ आज ज़्यादा धूप भी नहीं है और दिन तो मतलब धूप रहती थी, ठंडी की टाइम है अभी, फेबररी चल रही है, बट फिर भी है कि और दिन धूप रहती थी, आज ज़्यादा धूप नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो आज मौसम भी बहुत मस्त है। तो बस चलते हैं घूमते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं घुमाते हैं अच्छे से। चले भैया चलो। भैया हमारे नेपाल से आए हैं तो हम सोचे भैया के साथ इंजॉय करते थोड़ा सा, इधर उधर टहलते हैं। टाइम तो है कभी काल तो टाइम मिलता है बाहर निकलने को, तो बस आ गए यहाँ से चलते हैं और आप लोग से सीधा मिलते हैं लोटस टेम्पल। तो फाइनली गाइज हम लोग लोटस टेम्पल के पास आ चुके हैं, ये रहा एंट्री गेट, अभी यहाँ से करते हैं एंट्री देन चलते हैं अंदर और फिर आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग भी देखते हैं अच्छे से घूमते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी आ रखे हैं। अभी एंट्री करते हैं चलते हैं सीधा लोटस टेम्पल के अंदर। तो फाइनली गाइज हम लोग लोटस टेम्पल के अंदर आ चुके हैं और अभी चलते हैं धीरे 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 आ गए अंदर और फिर अच्छे से आप लोग को पूरा दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मैं और भैया दोनों को मिल के। फिलहाल तो अभी देखिए यहाँ से लोटस टेम्पल दिख रहा है हमें थोड़ा थोड़ा, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ डायरेक्ट 2x में। तो ये रहा, अभी चलते हैं नज़दीक में पूरा इसके और देन आपको दिखाऊँगा अच्छे से। लोटस टेम्पल का पूरा व्यू, फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई मेरा। अच्छा और भैया का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा आई थिंक सेकेंड है क्योंकि मैं जब 2-3 साल का था तभी आया था अपने दादी के साथ, बट आज भैया के साथ आया हूँ कम से कम 15-16 साल बाद, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहेगा, तो मज़ा आने वाला है आज। तो चलते हैं और फिर अच्छे से घूमते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। वीडियो में बोल वीडियो में कट हो जाएगा लेकिन बोलेंगे जरूर। व्हाट इज योर नेम? माय नेम दोनों के मिल के करेंगे। तो फाइनली गाइज आ गए हैं पूरा एकदम मेन गेट पे जहाँ पे लोटस टेम्पल से अंदर जाएंगे। तो यहाँ से पहले जूम करते हैं 1x देन 2x सीधा लोटस टेम्पल और अभी चलते हैं हम लोग भी धीरे 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 अंदर और भैया अभी मेरा वीडियो बनाएंगे, तो भैया पकड़ो मेरा वीडियो बनाओ ऐसे ही मैं चलता हूँ। तो फाइनली गाइज लोटस टेम्पल आ चुके हैं और अभी चलते हैं मस्त एकदम घूमते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं।
चलो भैया आ जाओ। चलो चलो, बहुत दिन बाद एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई देख। और ये रहे मनीष भैया जो कि नेपाल से आए हैं। इंसेन है भाई मेरे लिए तो, इंसेन है ना। बहुत बहुत अभी अंदर चलो और मजा आएगा। क्या मस्त लग रहा है ना भैया व्यू। मिनी व्हाट अ व्यू। तो अभी गाइस पूरा अंदर चलते हैं, पूरा 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 अंदर, और आप लोग को दिखाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, हम भी करते एक्सपीरियंस। चलो भैया आ जाओ। तो गाइज लोटस टेंपल में जाने से पहले हमें जूता खोलने पड़ते हैं, और जूते खोलने के लिए झोला लेना पड़ता है। तो यहाँ से एक झोला लेते हैं और फिर इसमें अपना जूता रखते हैं और देन चलते हैं अंदर पैदल पैदल घूमते हुए। पहले गाइज जूता खोल लिए हैं, झोला में रख लिए, अब चलते हैं सीधा अंदर लोटस टेंपल के अंदर। तो भैया अपने जूते का झोला पकड़ रखे हैं। झोले झोले जूते झोले जूते जूते। अभी गाइज हम लोग लाइन में लग चुके हैं लोटस टेंपल में अंदर जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही अंदर आदमी जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, बिकॉज अंदर शोर करना मना होता है। अभी लाइन में लगे हुए हैं, धीरे 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 चलते हैं ऊपर और फिर घूमते हैं अंदर भी देख के आते हैं। अंदर पता नहीं मोबाइल अलाउड है या नहीं है, वो तो पता नहीं, वो अंदर जाके पता चलेगा। तो अभी चलते हैं पहले और फिर मस्त घूम के आते हैं। गाइस अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं अंदर का दिखा नहीं सकता। चलते हैं, मैं देख के आता हूँ, अच्छे से घूम के आते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे। तो फाइनली गाइस दोनों को आ गए अंदर से घूम के, और अंदर इतना सुकून, इतना शांति थी, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, एकदम पूरा पीस, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, आज लेट ही बैठे। लेट ना ऐसे ना, 12 बजे से प्रेयर होता है यहाँ पे, तो फिर गेट बंद हो जाती है, फिर आधा घंटा के लिए फिर हमें अंदर ही रहना पड़ता। बट हमें जल्दी निकलना है, तो जल्दी निकलना है, इसीलिए हम लोग जल्दी बाहर आ गए हैं, 2 मिनट बैठ के आराम से। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चू भी कर दो, लेकिन इतना बड़ा आवाज़ हो जाता है। हाँ थोड़ा सा भी आवाज़ होता है पूरा एकदम गूंज जा रहा है, इसलिए। बाकी आपको दिखाते हैं अच्छे से पूरा व्यू पूरे लोटस टेंपल का। अभी हम लोग अंदर ही है, और यहाँ पे देखिए पानी, और ये रहा व्यू, ये रहा मैं। क्या मस्त व्यू है ना भैया। तो अभी गाइज यहाँ से लेते हैं जूता और फिर पहनते हैं और चलते हैं वापस। फाइनली गाइज अच्छे से लोटस टेंपल घूम लिए हैं। भैया मज़ा आया? गजब, इनसाइड इज ऑसम ब्रो, ऑसम। तो बहुत मज़ा आया हमें भी, भैया को भी, और यहाँ पे आके सबको मज़ा आता है, क्योंकि तो अंदर जो शांति है, पीसफुल है पूरा अंदर, मज़ा आ गया पूरा बैठ के। इंफॉर्मेशन सिस्टम सब है, सब कुछ अच्छे से। तो बहुत मज़ा आया। और जैसे होता है दूसरे जगह पर जाओगे तो टिकटिंग, हाँ टिकट यहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सबसे बेस्ट है, फैमिली के साथ आप आओ, इन्जॉय करो, है ना। तो मस्त, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया, दोस्तों के साथ भी मज़े। हाँ दोस्तों के साथ भी, मतलब सबके साथ आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा घूम के। और जी रहा हमारा लोटस टेंपल। तो फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। चेडिया नहीं,
तो अभी चलते हैं सीधा वापस अपने घर पे, एंड घर पे जाके फिर कहीं जाने का प्लान है। चले भैया चलो, ओके देन आप लोग से सीधा घर पे मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए एंड देखते रहिए। फाइनली गाइज एग्जिट करने का टाइम आ चुका है एंड इंडिया गेट को बाय बाय बोल दिए। इंडिया गेट मतलब लोटस टेम्पल को बाय बाय बोल दिए और अब सीधा चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे पैदल पैदल घूमते हुए और फिर सीधा घर पे, और आपके साथ सीधा घर पे मिलते हैं। तो गाइज आइसक्रीम खाते खाते चलते हैं मेट्रो पे और वहाँ से सीधा डायरेक्ट घर पे। सोचे कुछ खा लेते हैं, ऐसे ही क्या ही चलना है, तो बस आइसक्रीम ले लिए, खाते खाते चलते हैं घर पे। तो फाइनली गाइस हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है टिंच ऑफ स्पाइस। तो जीजा जी, भैया और हम तीनों को ही आए हैं मस्त एकदम। तो यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर पे। तो फाइनली गाइस सब कुछ हो गया, मस्त एकदम खा लिए हैं, पी भी लिए हैं। हां प्याज खा रहा हूं। और ये जीजा जी कुछ बोलना चाहते हैं? मजा आया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हां मेरे जीजा जी का भी चैनल है जो कि टेक्निकल चैनल है, कमेंट जिस पे कमेंट इतना दियो कि इसको परेशान हो जाए, कि ये कमेंट पढ़ते पढ़ते दिन रात हो जाए, रिप्लाई करते करते परेशान हो जाए, है ना, इतना कमेंट करना है आपको। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी लोटस टेम्पल हम लोग घूम के हैं, उसके बाद सीधा रेस्टोरेंट में आ गया जीजा जी के साथ। प्रिंसेस पिंच, पिंच ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट का नाम है, जो कि द्वारका सेक्टर 10 में है और बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट है, जो कि आप देख ही रहे होंगे कितना मस्त है रूफ टॉप पे, और बहुत मजा है यहाँ पे आके। है जीजा जी भैया नेपाल से हैं, इनको भी बहुत एक्सपीरियंस, मजा ही आ गया। थोड़ा सा महंगा है लेकिन तभी भी इंसेन है भाई। ना आप सच में जो है सही है। बात है, महंगा तो है बट कोई ना, मजा आया बहुत ज्यादा। और ये रहे हमारे भैया जो कि हमें सब कुछ सर्व किए, ये उत्तराखंड के हैं। है भैया उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? बागेश्वर। बागेश्वर बागेश्वर से हैं भाई, फेमस हो जाऊंगा। नहीं नहीं बस भैया को फेमस कर दीजिए, हमें भी फेमस कर दीजिए, बहुत मजा आया। अब बिलिंग करते हैं और फिर सीधा चलते हैं अपने घर पे, और आप लोग से सीधा घर पे मिलते हैं। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। अभी गाइस हम लोग रेस्टोरेंट से निकल गए हैं और अब सीधा चलते हैं गाड़ी में, जो कि जिया जी अभी ऊबर से बुक किए हैं। तो ये रही हमारी गाड़ी, ये रहे भैया, अभी चलते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं घर पे। तो अभी बैठ गए हम लोग गाड़ी में, अब सीधा चलते हैं घर पे और आप लोग से सीधा घर पे मिलते हैं। एंड हाँ लगा लेते हैं बेल्ट, लगा लेते हैं सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं और सीधा घर पे चलते हैं और आप लोग से सीधा घर पे मिलते हैं। चले जीजा जी चलो, ओके। एंड ये भैया हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। ओके भूपेंद्र जोगी। तो अभी सीट बेल्ट भी लगा लिया, अब सीधा चलते हैं घर पे और आप लोग से घर पे मिलते हैं।
तो फाइनली गाइज घर पे आ चुके हैं और आज बहुत ज्यादा थक गए हैं घूमने में इधर उधर, और लोटस टेम्पल में गए थे, चारों तरफ कहते तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, आप लोग से मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इधर आ जाओ पड़ी, इधर आ जाओ, आओ आओ। ये है मेरी दीदी की बेटी भांजी पड़ी, और ये रहा टकलू कृष्णा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है कृष्णा, आ जाओ इधर। तो ये रहा भांजा और भांजी, साथ में तीनों को ही बोलो हाय। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग से मिलते हैं सीधा न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बोल दो।